अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। अधिवक्ता ओंकार तोमर खुदकुशी मामले में अधिवक्ताओं ने आज से अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर 4 मार्च तक पूर्णतः हड़ताल रहेगी। 5 मार्च तक भी गिरफ्तारी न होने पर हड़ताल को जारी रखा जाएगा। साथ ही 6 मार्च को लगने वाली लोक अदालत का भी बहिष्कार करने का निर्णय अधिवक्ताओं ने लिया है। इस दौरान अधिवक्ता 4 मार्च को कचहरी के सभी गेट पर भी ताले डाल देंगे, धरना देंगे और फिर जिला अधिकारी को अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर त्यागी के अनुसार यदि 4 मार्च तक भाजपा विधायक दिनेश खटीक समेत बाकी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिला अधिकारी व एसएसपी के तबादले की मांग की जाएगी। 9 मार्च को राज्यपाल व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के प्रस्तावित मेरठ आगमन को देखते हुए अधिवक्ताओं ने उन्हें भी मात्र पत्र देने का निर्णय लिया है। आपको याद होगा कि बीते 13 फरवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आत्महत्या के लिए भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य को जिम्मेदार ठहराया था। भारी दबाव के बाद पुलिस ने विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक आरोपी संजय मोतला पुलिस दबिश से परेशान होकर खुदकुशी कर चुका है। सुसाइड नोट में भले ही वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने अपनी आत्महत्या के लिए भाजपा विधायक दिनेश खटीक को भी जिम्मेदार बताया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। भारी राजनीतिक दबाव से गुजर रही मेरठ पुलिस संजय मोतला के खुदकुशी मारने के बाद से अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाए हुए है। मेरठ के अधिवक्ता तभी से आंदोलनरत है। आज हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के संयुक्त सभा में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। सभा में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए मेरठ बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर त्यागी ने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा 9 मार्च को यदि राज्यपाल व डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलने का समय नहीं दिया गया तो अधिवक्ता कचहरी से जुलूस के रूप में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय गेट पर ही धरना देंगे। 5 व 7 को मुजफ्फरनगर में भी लोक अदालत होगी जिसका पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक दिन की देश भर में हड़ताल करने की भी अपील की जाएगी। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।